Hi friends, I am Dr. Gaurav Gupta. Today we are going to be talking about Brandy. Now you will be thinking, why a pediatrician Brandy ke baare mein kyun baat kar raha hai, alcohol ke baare mein kyun baat kar raha hai? Wo isliye kyunki one of the most common questions that I get asked, especially from first time parents, jinka pehla bachcha hai, is kya hum apne bachche ko brandy pila sakte hain? After all, ye hamare dada dadi ke zamane ka nuskha hai. So, in fact, agar aap dekhe to there were many preparations also previously jinke andar alcohol hota tha. Grape water was one thing jiske andar purane time mein alcohol bhi hota tha. Aur doctors brandy karke bhi ek syrup aati hai, jisme bhi syrup alcohol hi hota hai brandy. So, prashan ye hai, kya hum chote babies ke liye alcohol ya brandy use kar sakte hain? Alcohol का यूज क्यों शुरू हुआ बच्चों में, इसके पीछे आई थिंक दो कारण थे. वन इज फॉर कॉलिक, यानी कि फसी गैसी बेबीज जो चिड़चिड़े हो रहे हैं या जो टीदिंग कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए. और सेकंड इज बड़े बच्चों में खांसी के लिए. एडल्ट्स भी कई बार खांसी के लिए अल्कोहल लेते हैं. सो अल्कोहल क्यों यूज होता था पहले टाइम में? ओल्डन टाइम्स में हमारे पास बहुत कम दवाइयां थी जो हम यूज कर सकते थे, जिनसे हम कंफर्टेबली किसी इंसान को रेस्ट करा सकें. सो अल्कोहल वाज वन ऑफ दीज प्रिपरेशन जो कि सेडेटिव था, जो कि हिप्नोटिक था, जिससे नींद आने में हमें आसानी मिलती थी. तो इसलिए ये कई बार बच्चों की दवाई में दिया जाता था. और कॉमनली ग्राइप वाटर के अंदर काफी अधिक मात्रा में अल्कोहल यूज होता था. ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें कहा गया था कि अगर आप बच्चे को एक चम्मच ग्राइप वाटर पिलाते हैं, जो पुराने जमाने का ग्राइप वाटर है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट इतना अल्कोहल है जितना 5 ग्लास विस्की में हो सकता है. इमेजिन, नो वंडर पुराने जमाने के ग्राइप वाटर पी के बच्चे सो जाते थे. द गुड थिंग इज आजकल के ग्राइप वाटर में अल्कोहल ना के बराबर होता है, इट इज अल्कोहल फ्री इनफैक्ट. और इस वजह से आजकल के ग्राइप वाटर में ये सुलाने वाली चीज जो है थोड़ी सी कम हो गई है. अब हमारे पास मोर इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट्स हैं, खांसी की दवाइयां जैसे कि कोडीन है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फान है, तो खांसी के लिए भी हमें ये अल्कोहल की जरूरत नहीं पड़ती. अब आप जानना चाहेंगे कि क्या मैं अल्कोहल रिकमेंड करता हूं या नहीं करता, और द आंसर इज जनरली स्पीकिंग नो, बिकॉज अल्कोहल के साइड इफेक्ट हो सकते हैं बच्चे में, स्पेशली छोटे बच्चे में जो साल दो साल से छोटा हो. कॉमनली बिकॉज अल्कोहल एक सेडेटिव है, एक डिप्रेसिव है, इसकी वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा नींद आ सकती है या वो बहुत ज्यादा सुस्त हो सकता है. सो इट इज बेस्ट अवॉइडेड फॉर चिल्ड्रन एंड इट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी यूज आजकल के जमाने में. हाँ, अगर हम बात करें कि कुछ बूंदे, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स, अगर 2-4 ड्रॉप्स बच्चे के मसूड़ों में कोई रब करता है, या अगर 2-4 ड्रॉप्स बच्चे को खांसी जुकाम में बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, ऑनेस्टली काफी पेरेंट्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने ये किया है और वो कहते हैं कि इससे बच्चा हमारा, कई बच्चों का, कई पेरेंट्स के बच्चे कंफर्टेबल हो गए हैं, कई पेरेंट्स के बच्चे नहीं हुए हैं. सो वी से कि 1 or 2 or 3 ड्रॉप्स जो कि साइकोलॉजिकली माँ बाप को बेनिफिट करते हैं, अगर ये बच्चे के मसूड़ों पे कोई रब कर दे तो ऑनेस्टली उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट डेफिनेटली अल्कोहल इज अ नो नो. हाँ, अल्कोहल का एक यूज है ब्रांडी का, विस्की का, जब आपका बच्चा बहुत ज्यादा तंगी में हो तो अगर थोड़ी सी ब्रांडी उसकी मम्मी या उसके पापा पी लें, उससे वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं. सो अपना बच्चा पहले पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, और जब पीडियाट्रिशियन बोले कि इसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बेचारा बच्चा थोड़ा खांस रहा है, जुकाम हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी अगर पेरेंट्स पी लें तो प्रॉबेबली दैट इज गुड फॉर एवरीबॉडी. बच्चा भी रिलैक्स्ड, माँ बाप भी रिलैक्स्ड. सो दिस इज योर पर्सनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता. ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं आपको जरूर एनकरेज करूंगा कि अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जरूर पूछिए कि उनको क्या ठीक लगता है. जो भी आपके कमेंट्स हैं या आपका जो डॉक्टर कहता है वो नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पेरेंट्स से भी इसको जरूर शेयर करिए. टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग. आई एम डॉक्टर गौरव गुप्ता और मैं हूं आपका अपना
child specialist. Take care. Bye-bye. Yeah.